सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ आठ, शाबाश सुनीता विलियम्स, पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान चार। बच्चों, आज हम व्याख्यान चार में पाठ को पढ़कर पाठ में आए शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य को पुनः दोहराएंगे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड शहर में हुआ था। इन्होंने फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की। ये 1998 से एक एस्ट्रोनॉट के रूप में नासा में कार्यरत थी। सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन STS-116 के लिए अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने 10 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में जाने से पूर्व शरीर के साथ साथ दिमाग को भी व्यवस्थित रखना पड़ता है। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है। स्पेसशिप में खाने का तरीका भी निराला होता है। खाने के डिब्बा खोलते ही सारा खाना हवा में तैरने लगता है। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। धरती पर वापस लौटने को लेकर सुनीता ने अपनी कई इच्छाएं जाहिर की। वे बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी, समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती थी। उन्हें आइसक्रीम खाने की भी इच्छा थी। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। स्पेस, इसका अर्थ है अंतरिक्ष। दिक्कत, इसका अर्थ है परेशानी। स्पेस शिप, इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान। गुरुत्वाकर्षण, इसका अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल। रोजमर्रा, इसका अर्थ है हर रोज। भाव विभोर, इसका अर्थ है भावों से भरा। फिलहाल, इसका अर्थ है अभी। स्पर्श, इसका अर्थ है छुअन। विशाल, इसका अर्थ है उदाहरण। ध्येय, इसका अर्थ है लक्ष्य। दिलेर, इसका अर्थ है साहसी। जीवट, इसका अर्थ है साहस, हिम्मत। नंबर एक, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। कितने घंटे सुनीता विलियम्स को कमर के बल रहना पड़ा? विकल्प हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। सही उत्तर है 4 घंटे। ख, क्या हवा में तैरने लगा? नंबर एक टोपी, नंबर दो डिब्बा, नंबर तीन खाना, नंबर चार ढक्कन। सही उत्तर है नंबर तीन खाना। ग, सुनीता विलियम्स किसका स्पर्श महसूस करना चाहती थी? नंबर एक तालाब का, नंबर दो धरती का, नंबर तीन माँ का, नंबर चार पानी का। सही उत्तर है नंबर दो धरती का। नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्या
समस्या होती है? उत्तर है, रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है और पूरा शरीर हिलने लगता है। ख, खाने के डिब्बे को खोलते ही क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है, खाने के डिब्बे को खोलते ही सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा, ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ। ग, धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले क्या करना चाहती थी? उत्तर है, धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। घ, किन गुणों के कारण सुनीता विलियम्स सबसे पहले आदर्श बनी? उत्तर है, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के कारण सुनीता विलियम्स सबके लिए आदर्श बनी। भाषा ज्ञान। नंबर एक, विलोम शब्द बताइए। क, गुण, विलोम शब्द है अवगुण। ख, जीवन, विलोम शब्द है मरण। ग, आदर, विलोम शब्द है अनादर। घ, शिक्षित, विलोम शब्द है अशिक्षित। ग, आरंभ, विलोम शब्द है अंत। च, रुचि, विलोम शब्द है अरुचि। छ, खुशी, विलोम शब्द है दुख। ज, साहस, विलोम शब्द है दुस्साहस। नंबर दो, दिए गए शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। क, कक्ष, दो नए शब्द हैं समकक्ष कक्षा। ख, बल, दो नए शब्द हैं बलहीन बलवान। ग, यान, दो नए शब्द हैं वायुयान जलयान। घ, गंध, दो नए शब्द हैं सुगंध गंधहीन। नंबर तीन, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पर विराम चिन्ह है अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, इसके बाद कोमा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पूर्ण विराम। ख, लेकिन, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है, विराम चिन्ह है लेकिन धीरे धीरे, इनके बीच में योजक चिन्ह, हमें इसकी आदत हो जाती है, पूर्ण विराम। ग, मैं समुद्र तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ, विराम चिन्ह है मैं समुद्र, यहाँ पर ये कोमा जिसको हम अल्पविराम कहते हैं, अल्पविराम लगेगा। तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ, पूर्ण विराम। घर, हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता, विराम चिन्ह है हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं, यहाँ पर अल्पविराम, जैसे कोई नहीं कर सकता, पूर्ण विराम। नंबर चार, नीचे
दिए गए शब्द समूहों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द बनाइए। क फर्श, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, र की मात्रा स के ऊपर लगेगी। सफिंग, इसमें सर्फिंग लिखेंगे तो र की मात्रा फ के ऊपर लगेगी। रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड लिखेंगे तो र की मात्रा ड के ऊपर लगेगी। घ, गुरुत्वाकर्षण, जब हम गुरुत्वाकर्षण लिखेंगे तो स के ऊपर र की मात्रा लगेगी। ग, गह, जब हम ग्रह लिखेंगे तो र की मात्रा ग में लगेगी। च, समुद्र, जब हम समुद्र लिखेंगे तो द में र की मात्रा लगेगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द जाल में से ढूंढकर लिखिए। क, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? उत्तर है आर्यभट्ट। ख, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है त्रिवेंद्रम। ग, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? उत्तर है कल्पना चावला। घ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव का क्या नाम था? उत्तर है लाइका। आज आपका पाठ 8 शाबाश सुनीता विलियम्स व्याख्यान 4 का प्रदत्त कार्य है। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क, कितने घंटे सुनीता विलियम्स को कमर के बल रहना पड़ा? विकल्प है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ख, क्या हवा में तैरने लगा? नंबर 1 टोपी, नंबर 2 डिब्बा, नंबर 3 खाना, नंबर 4 ढक्कन। ग, सुनीता विलियम्स किसका स्पर्श महसूस करना चाहती थी? तालाब का, धरती का, माँ का, पानी का। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखिए। क, गुण, ख, जीवन, ग, आदर। अंग, घ, शिक्षित, अंग, आरंभ, च, रुचि, छ, खुशी, ज, साहस। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क, दिक्कत, ख, स्पेस, ग, भाव विभोर, घ, स्पर्श। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द समूहों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द बनाइए। क, वस, ख, सफिंग, ग, रिकॉर्ड, घ, गुरुत्वाकर्षण, ग, गह, च, समुद्र। अब हम पाठ 8 शाबाश सुनीता विलियम्स व्याख्यान 3 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। क, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है, नहीं। ख, सुनीता के नाम 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है, हाँ। ग, सुनीता वर्ष 1999 से नासा में कार्यरत हैं, नहीं। घ, स्पेस स्टेशन में रोज़ रोज़ की
चिंताएं नहीं होती। हाँ, अंगै सुनीता को पिस्ताचियो आइसक्रीम पसंद है। हाँ, नंबर दो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क, सुनीता ने अपने जीवन की शुरुआत क्या बनकर की? उत्तर है एस्ट्रोनॉट। ख, STS 116 किसका मिशन था? उत्तर है नासा का। ग, सुनीता कितने महीनों बाद धरती पर वापस लौटी? उत्तर है 6 महीने बाद। घ, सुनीता को खाने की कौन सी चीज़ अंतरिक्ष में नहीं मिली? उत्तर है आइसक्रीम। धन्यवाद।